ट्रेंडिंग स्टार ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव का 35 गाना जो है भैया पावर स्टार पवन सिंह का 3 गाना भारी पड़ गया। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने 35 गाना गाया, पवन सिंह ने मात्र 3 गाना गाया, तब वो जो है भारी पड़ गया, ऐसा जो है कहना एक पावर स्टार पवन सिंह का फैंस का है। जी हाँ, इन्होंने मुझे जो है भैया सुबह से मैसेज कर करके परेशान कर दिया और बोला कि भैया आप इस पे वीडियो बनाओ, अगर भोजपुरी का भलाई चाहते हो, भोजपुरी के बारे में अच्छा सोचते हो तब तो भैया इस पर तो जो है वीडियो बनाने बनता है। लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले जो है, इस बात में क्या सही है क्या गलती है ये बोलने से पहले जो है भाई आप लोग से एक बात कहना चाहता है। जी हाँ, और वीडियो को जो है भैया कंप्लीट देखिएगा अंतिम तक, तब जो है भाई का बात आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग जो है पावर स्टार पवन सिंह के फैन हैं, कितने लोग भैया दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के फैन हैं, और कितने लोग भोजपुरी के फैन हैं, और दोनों स्टार के फैन हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भाई को जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं बात पॉइंट पे कि खेसारी लाल यादव का जो 35 गाना है, पवन सिंह का मात्र 3 गाना, उस पर भारी कैसे पड़ गया, तो हटाइए। हम आते हैं बॉलीवुड पे, ठीक है। हम अगर भोजपुरी का विकास चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भोजपुरी जो है दुनिया का नंबर वन भाषा बने, अगर हम चाहते हैं कि भोजपुरी जो है बॉलीवुड से आगे जाए, तो हमें क्या देखने का आवश्यकता है भैया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव वर्सेस करते रह जाएंगे तो क्या भोजपुरी का विकास हो पाएगा? अगर भारी पड़वाना है हम लोग को, तो हम लोग को चाहिए कि अक्षय कुमार पे भारी पड़ गए खेसारी लाल यादव, अक्षय कुमार पे भारी पड़ गए पावर स्टार पवन सिंह, हम लोग को चाहिए कि अजय देवगन पे भारी पड़ गए पावर स्टार पवन सिंह, अजय देवगन पे भारी पड़ गए खेसारी लाल यादव, या ऐसा बोलना चाहिए कि पूरे बॉलीवुड पे भारी पड़ गए भोजपुरी के सुपरस्टार, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया हॉलीवुड पे भारी पड़ गए भोजपुरी के सुपरस्टार। जी हाँ, तो महाराज ये भारी पड़ गए ये सब जो है भैया अच्छा बात है, पवन सिंह भारी पड़ गए खेसारी जी पे, खेसारी लाल यादव भारी पड़ गए पावर स्टार पवन सिंह पे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और भाई का बात अगर अच्छा लग रहा होगा भोजपुरी का विकास के लिए, तो भैया वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जी हाँ भाई, मिलता है अगली बार, तब तक जय हिंद, नमस्कार।